वाली सप्लाई जो कन्वर्ट होगी वो 5 वोल्ट पे कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये तरीका है। अच्छा, ये रिसीव होगा तो ये 5 वोल्ट और 2.5 वोल्ट दोनों आउटपुट हो जाएंगे। 5 वोल्ट आउट होने के बाद इस 5 वोल्ट को फिल्टर किया जाएगा। फिल्टर के लिए कैपेसिटर लगा होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, जो इसे फिल्टर करेगा, उसे रेगुलेट करेगा, वोल्टेज को बरकरार रखेगा, ठीक है। चार्ज डिस्चार्ज होगा, ये वहां से कई जगह पर जाएगी, ठीक है। इसका यूज किया जाएगा, आईसी को यूज किया जाएगा, सीपीयू में यूज किया जाएगा। जो शॉर्टिंग की प्रॉब्लम आती है, अधिकतर प्रॉब्लम जो आती है वो सप्लाइयों की प्रॉब्लम आती है। अब इसमें जैसे कि हमारा ये कपलर है, राइट, ये कपलर है चारों, तो उसी तरीके से इसमें भी ये पॉइंट इस तरह से बना दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4। अगर हम देखें तो सबसे इधर वाला जो हुआ वो C50, बीच में C51, C52 और G01, ठीक। अगर हम यही बात यहाँ देखें तो ये कहलाएगा C50, C51, C52, G01, तब हमें ट्रेस करेंगे, तब हमें पिनोट्स का होना हमारे पास ज़रूरी है, ठीक है। तो इसे हम आज ट्रेस करते हैं और देखते हैं ये किस तरीके से ट्रेस होता है। तो आज जो है सबसे पहले हम सप्लाई सेक्शन को चेक करते हैं कि इसकी सप्लाई जो 12 वोल्ट सप्लाई जो है एंटर होती है, जो बैटरी से आती है, तो वो कहाँ कहाँ जाती है, इस बात को आज हम ट्रेस करते हैं। तो अब 12 वोल्ट सप्लाई देखा जाए तो हम पावर सोर्स 12 वोल्ट, पिन नंबर 2 और जो कपलर का नंबर है C51, और 3 पे दिया है पावर सोर्स 12 वोल्ट, एक तो ये दिया है, दे रहा है। G01 में आते हैं तो G01 में इग्निशन सिग्नल 12 वोल्ट सप्लाई आ रही है, इग्निशन सिग्नल 12 वोल्ट आ रही है। एक और दिया है बैकअप पावर सप्लाई 12 वोल्ट आ रही है। सबसे पहले इसी को ही देखते हैं, पिन नंबर 7 को देखते हैं कि ये कहाँ पर है। तो 1 में है और G01 में हमने देखा कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लास्ट वाली जो पिन है ये है हमारी G01 की पिन, जी पे एक पिन लगी हुई है इस तरीके, इसके अंदर इसे यूज़ करते हैं और हमने जो है वो यहाँ पे नंबर 7 में लगा देंगे। ये पिन नंबर 7 में लग गया जी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मल्टीमीटर लेते हैं, करते हैं इसको बीप की रेंज पे हम ऑन करेंगे। ये मेगा ओम हो गया, बीप की रेंज हो गई, यानी कि ये आपका बीप की रेंज आ गई, ठीक। अब हमने ये पिन नंबर 7 पे लगा लिया है, G01 की पिन नंबर 7, यहाँ बैटरी से सप्लाई आएगी, फिर अंदर वो सप्लाई कहाँ कहाँ जाएगी इसी बात की आज हम ट्रेसिंग करते हैं। क्या किया कि इसमें ये वायर लगा लिया इस तरीके से, ठीक है, ये वायर लगा लिया पिन नंबर 7। अब दूसरी प्रॉब जो बची इसे चेक भी कर ले, ठीक है। दूसरा के ये यहाँ बीप कर रही है, ठीक, यानी कि जो G01 की पिन है 7, तो वो यहाँ पर बीप आ रही है। अब हमें इस पिन की कोई ज़रूरत नहीं है, इस पिन की हमें कोई ज़रूरत है नहीं, क्यों, क्योंकि ये हमारा क्लियर हो गया कि इसका ट्रैक यहाँ आ रहा है, इसे हम हटा देते हैं, इसे हटा देते हैं और इस पिन से भी हटा देते हैं, ठीक। अब वो जब यहाँ आ गए तो इसका ये जो सिरा है वो एनोड है, निशान जो लगा है वो आगे की तरफ लगा हुआ है, आगे कैथोड है, तो कैथोड से ये निकल गया। हमने देखा कि ये बराबर वाला डायोड है, उस पर भी बोल रहा है, ठीक है जी। अब हम आगे बढ़े, ये सर्किट लाइन ये जा रही है और ये जाते जाते इस पर आ गए, ये आगे जो है वो कैथोड हो गया, यानी कि तो ये ग्राउंड है, होना चाहिए। किसी भी कैपेसिटर में जैसे ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये वाला ब्लैक पॉजिटिव सिरा हो गया, या ये कैपेसिटर लगा हुआ है
तो इसका ये निगेटिव हो गया, तो हम देख लेते हैं क्या है, ये ग्राउंड हो गया इधर वाला सिरा, तो देखते हैं क्या है, अगर बोलता है तो ग्राउंड है ये, ठीक, तो ये वाला सिरा ग्राउंड है। हमने देखा फिर आगे सप्लाई कहाँ गई है, आगे गए तो ये कैपेसिटर मिला और ये यहाँ आ गया, यानी कि ये वाली सप्लाई यहाँ वहाँ पहुँच गई। अब ये कैपेसिटर क्या कर रहा है, ये कैपेसिटर जो 12 वोल्ट सप्लाई आ रही है उस सप्लाई को ये फिल्टर कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। जो डीसी सप्लाई के अंदर जो पूरी तरह से डीसी नहीं है या उसके अंदर कुछ खामी है, कमी है, तो उसे और फिल्टर कर रहा है, शुद्ध कर रहा है, तो इस तरह से ये आगे बढ़ा रहा है, ठीक है। तो इसने फिल्टर करा, अब देखा फिल्टर करने के बाद कहाँ गया, फिल्टर करने के बाद दो ट्रांजिस्टर लगे हैं, हमने देखा कि एक रेजिस्टेंस है ये, ठीक, या यहाँ रख लो, एक ही बात है, ठीक है, चाहे यहाँ रख लो क्योंकि लाइन एक ही है, ठीक। अब ये रेजिस्टेंस है ये, ठीक है, और इस रेजिस्टेंस पे लिखा हुआ है R56। ये जो इसे 12 वोल्ट की सप्लाई है, इस 12 वोल्ट की सप्लाई को 5 वोल्ट में कैसे करके बदला जाएगा, या जो यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई जा रही है उसको 2.5 वोल्ट में कैसे बदला जाएगा, इसको बदलने को जो हेल्प मिलेगी वो ये आईली आईसी करेगी कैसे। आप यहाँ देखेंगे तो हमने बेस पे लगाया है इसके, जब तक इस आईसी से इसके बेस को सिग्नल नहीं मिल जाता तब तक ये ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा। इसी तरीके से जब तक इसके बेस को नहीं मिल जाता ये ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा। तो हमने इधर यहाँ रखा और देखा क्या क्या कोई पिन इससे जुड़ी हुई है। हाँ, बीप की आवाज़ तो आई, ये जुड़ा हुआ है, ठीक। अब ठीक इसी तरीके से हमने इधर वाला बेस देखा, ठीक है, दूसरी साइड वाला भी बेस देखा, ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो ट्रांजिस्टर है इस पे देखा हमने, ये लिया इसके बेस पर रखा हमने ये, और फिर आईसी पर हम आए इस तरीके से, फिर ये बोल गया, तो ठीक है। तो ये इसमें ये पता चला हमें कि इस ट्रांजिस्टर के बेस को या इस ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए ये आईसी सिग्नल दे रही है, तब ये 2.5 वोल्ट आउट करेगा। इसी तरीके से ये ट्रांजिस्टर जो है ये 5 वोल्ट ऑन करेगा और इसके बेस को भी यही आईसी सिग्नल दे रही है तब ये 5 वोल्ट ऑन करेगा। मसला ये है कि इसके एमीटर पे तो 12 वोल्ट आ गए, ठीक है, और जब आईसी से इसके बेस पे सिग्नल मिलेगा तो यही 12 वोल्ट 5 वोल्ट में कन्वर्ट होगा, आउट होंगे, और 2.5 वोल्ट भी आउट होंगे जब सिग्नल मिल जाएगा। तो यही 5 वोल्ट जो है पूरे इस ईसीएम में कई जगह जाएगा, सेंसर पर जहाँ जहाँ 5 वोल्ट की ज़रूरत होती है वहाँ पर ये यहाँ से जाएगा, और जहाँ 2.5 वोल्ट की ज़रूरत है वो यहाँ से जाएगा, ठीक। तो ये था ट्रेसिंग कि किस तरीके से हमने पता लगाया कि 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ जा रही है।